मैं प्रीति राजपूत एंड यू आर वॉचिंग रिमिक्स स्टोरी। आज हम बात करेंगे साउथ के सिंघम सूर्या शिव कुमार की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है एनजीके। साउथ की इस फिल्म में दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस भी हैं, साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह। नंदगोपाल कुमारन मक्कल एनजीके। फिल्म एनजीके यानी नंदा कुमार गोपालन तमिल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को सेल्वा राघवन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में साई पल्लवी ने सूर्या की वाइफ का रोल प्ले किया है। फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स हैं जो आपको सीटियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म में सूर्या एक ऐसे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जो पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करने के लिए खुद पॉलिटिक्स में उतरता है। फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था, जिसे फैंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एनजीके के नाम के साथ हो रही है। ट्रेलर के शुरुआती सीन्स में दिखाया गया है कि सूर्या एक युवा नेता है जिसने देश को बदलने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री ली है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और वो कारण बताए जाते हैं जिनके कारण एनजीके को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। फिल्म 31 मई को रिलीज हो रही है, लेकिन फिल्म के बज को देखते हुए लगता है कि सूर्या की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इससे पहले भी साउथ में कई पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बन चुकी हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है साउथ के बॉक्स ऑफिस किंग कहे जाने वाले विजय की फिल्म सरकार। फिल्म सरकार साल 2018 में रिलीज हुई थी। तमिल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई इस फिल्म ने उस समय 260 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, जो किसी भी रीजनल फिल्म के लिए बहुत बड़ा कलेक्शन है। एक्टर सूर्या कुमार की बात करें तो उनकी अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्म मानी जाती है सिंघम, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का हिंदी रीमेक रोहित शेट्टी ने साल 2011 में बनाया था, जिसमें अजय देवगन ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म सिंघम की वजह से सूर्या को साउथ का सिंघम कहा जाने लगा। सूर्या साउथ एक्टर शिव कुमार के बेटे हैं। हालांकि आज साउथ सिंघम कहे जाने वाले सूर्या पहले फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब वो फिल्मों में आए तो एक एक्टर के बेटे होने के बावजूद भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, यहाँ तक कि अपना नाम भी बदलना पड़ा। सूर्या का असली नाम सर्वानंद शिवकुमार है। उन्होंने फिल्म निरक्कू नेर से डेब्यू किया था। इस फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था। मणिरत्नम ने ही सूर्या का नाम बदलकर सर्वानंद शिवकुमार से सूर्या रख दिया था। फिल्मों में आने से पहले सूर्या ने 8 महीने तक एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में पहचान छुपाकर काम किया था। सूर्या के पहचान छुपाने की वजह यह थी कि वो नहीं चाहते थे कि एक एक्टर का बेटा होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह का खास तवज्जो मिले। फिल्मों में आने के बाद भी सूर्या का सफर आसान नहीं रहा। सूर्या ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस, मेमोरी पावर, फाइटिंग स्किल्स की कमी थी, जिस वजह से शुरुआती दौर में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही सूर्या आज एक्शन किंग माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्या अपनी एक फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सूर्या की फिल्म एनजीके बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल HS न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।